For Keller, this value is equal to forward values in the given. Keller, first Keller sine 60 degree, cos 60 degree, tan 60 degree and fourth Keller sine 30 degree. मतलब कि इसकी value इनमें से किसके equal होगी, ठीक है? तो थोड़ा पहले इसको एक बार solve करते हैं. क्या दिया था? 2 tan 30 degree upon 1 plus 10 square 30 degree. देखो तो यहाँ पे 2 10 30 कितना होता है? 1 upon under root 3 होता ही है. 1 plus ये क्या आ जाएगा? 1 upon under root 3 का whole square, ठीक है? देखो तो इसको 2 1 जो 2 upon under root 3 ये हो जाएगा 1. 1 का square 1, root 3 का square 3. जिसको solve करेंगे 2 upon under root 3 या कितना जाए? 3 1 जा 3 1 4 4 upon 3 that is 2 upon under root 3. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ऊपर, यानी कि 3 upon 4, ठीक है? और बच्चे देखो जब इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो 2 2 जा 4, यानी कि 3 upon 2 root 3, 3 upon 2 root 3 ये भी हो जाएगा. लेकिन देखो ना, हम यहां पे इस root 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ड्यू टू द रेस्पिरेशन. तो यहां कितना आ जाएगा? root 3 into root 3, यानी कि हम इसमें परिमिकरण कर दिए हैं. ये कितना होगा? 3 into root 3, 3 root 3 हो जाएगा. ये हो जाएगा 2 root 3 into root 3, यानी कि केवल 3 हो जाएगा. 3 से 3 कैंसिल, कितना जाएगा? under root 3 by 2. और बच्चे थोड़ा आप ये जो ऑप्शन दे रहा है इसमें बताओ कि किसकी वैल्यू under root 3 by 2 होती है. देखो तो sin 60 कितना कितना होता है? under root 3 by 2. cos 60 का होता है 1 by 2. tan 60 का होता है अंडर रूट 3 और sin 30 कितना होता है 1/2. यानी कि यह जो वैल्यू है मेरा पहला ऑप्शन sin 60 के इक्वल होगा क्योंकि इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 आती है. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है? 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 45 डिग्री की वैल्यू आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ठीक है? तो देखो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. क्या दिया है? 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 plus tan 45 डिग्री, ठीक है? स्क्वायर 45 डिग्री. देखो यहां पे 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1. ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 plus ये क्या है? tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 1 tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर देखते हैं यहां पे 2. ये हो जाएगा 1 plus 1 कितना जाएगा? 2/2 कट के क्या आ जाएगा? 1. और बच्चे यहां पे जब देख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर क्या सही था. sin 91 और यहां से देखो तो यहां पे एक क्या दे रहा है? sin 90. देखो यहां पे क्या दिया है? sin 90. sin 90 के भी वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है? तो मेरा ए भी ऑप्शन सही है. और आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी मेरा दे रहा है, बी पार्ट भी दिया है, कह रहा है कि 1. बी पार्ट में मेरा ऑप्शन नंबर क्या था? 1. तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है? आपके बुक में गलती दिया था तो इसमें ए और बी आपका दोनों हो जाएगा. क्योंकि देखो ना, यहां पे जो 1 होता है वो क्या होता है? sin 90 की वैल्यू होती है. लेकिन चूंकि देखो हमने यहां पे देखो लाया क्या है? 1 ना, तो इसको हम 1 यानी b भी इसको हम मान सकते थे. क्योंकि ना अगर इसको कट के अगर sin 90 आता तो कहते हैं, लेकिन ठीक है यहां पे a और b दोनों मेरा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितना होता है? 1. और आपका ऑप्शन नंबर b भी क्या दिया था? 1. यानी कि इसका a और b दोनों सही हो सकता है. थर्ड पार्ट कह रहा है sin 2a is equal to 2 sin a is true when एंगल a is equal to 0 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree. देखो इसका मतलब क्या है ना? कह रहा है कि यह जो चीज है जो हम लोग जो यहां पे लिखा गया है यह ट्रू कब होगा? जब इसमें आए हुए एंगल की a की वैल्यू या तो 0 degree हो, या तो a की वैल्यू 30 degree हो, या तो a की वैल्यू 45 degree हो, या a की वैल्यू कितनी हो? 60 degree, ठीक है? तो देखो हम इसमें चलो पहले इसमें हम चेक करते हैं. रख के फर्स्ट इसमें लेते हैं, फर्स्ट ले लिए a is equal to पहले क्या लेते हैं? 0 डिग्री, ठीक है? देखो हम ना इसमें या जो भी है वैल्यूज हम उसको एक के बाद एक इस दिए गए एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. और तब अगर दोनों साइड की वैल्यू जिस एंगल की दोनों साइड की वैल्यू सेम आएगी वही मेरा ऑप्शन ट्रू होगा वरना रॉन्ग होगा. थोड़ा इसमें लेते हैं.
हमने क्या लिया, पहला ले लिया क्या, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या दिया था, लेते हैं दो साइड को, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे a बराबर क्या 0 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री, यह कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री 2 इंटू साइन 0, यानी 0 साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0। तो देखो, तो यहाँ पे मुझे जब हम एंगल a इज इक्वल टू क्या लिए 0 डिग्री, तो मुझे दोनों की वैल्यू 0 मिल रही है। हेंस आवर ऑप्शन नंबर 1 इज 2, यानी कि a b 2, यानी कि जो a है वह ट्रू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, बच्चे देखो ना, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट के ही सेम है। तो देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 plus tan² 30 डिग्री था, और यहाँ पे आपका फोर्थ में क्या आ रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस, यानी कि वहां क्या था प्लस, वहां क्या था माइनस। तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ टेन ए प्लस बी इजकल टू रूट 3 टेन ए माइनस बी इजकल टू 1 upon root 3 एंड इफ एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी देन फाइंड द बोथ द एंगल ए एंड बी, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं पहले, पहला मेरा है क्या टेन ए प्लस बी इजकल टू √3, ठीक है। और बच्चे थोड़ा आप हमको बताओ कि यहां से इस ए बी यानी कि जो इसमें एंगल आ रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू आप तभी फाइंड कर पाओगे जब इस √3 को भी इसी टेन बेस के फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। सो मुझे बताओ बच्चे कि टेन में ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो √3 आपको दे दे, तो क्या होता है इसको हम क्या लिख लेंगे नीचे, या यहाँ पर लिख लो टेन 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा आप देखो, तो यहाँ पे टेन ए प्लस बी इसको कितना है 10 60, तो यहां से जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब सही लेते हैं एंड क्या दिया है टेन ए माइनस बी इजकल टू 1 upon √3, ठीक है बच्चे। अब देखो फिर वही चीज, टेन ए माइनस बी इजकल टू 1 upon √3 है, और आपको यहाँ ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए और बी की वैल्यू तभी फाइंड होगा जब आप इस 1 upon √3 को टेन के फॉर्म में लिखो। तो देखो टेन की कौन सी वैल्यू होती है जो 1 upon √3 देता हो, तो टेन 30 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा टेन 30 डिग्री, और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यानी यह एंगल इस एंगल के सेम हो जाएगा, यानी कि ए प्लस माइनस बी इजकल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और ऐसे आपका यह फर्स्ट और सेकेंड बन गया लीनियर इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल जाएगा ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री, ठीक है। देखो जब इसको बच्चे सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर रहे हैं क्योंकि दोनों ए सेम साइन के हैं, तो यह और यह क्या है सेम नहीं है, तो यह क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए 2a मिल जाएगा मुझे, और 60 को जब 30 से प्लस करेंगे क्या मिल जाएगा 90, ठीक है। जब यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो 90/2 यानी कि कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखो तो मैंने इसको सॉल्व करके मैंने एंगल ए की वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री। देखो आपने इस ए की वैल्यू को या तो 1 में रखो या तो 2 में, किसी से भी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलो हम रखते हैं 1 में, पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। 1 मेरा क्या था ए प्लस बी इक्वल टू क्या था 60, ठीक है। इसमें जब सॉल्व करेंगे रखेंगे इसको ए यानी कि 45 डिग्री, बी आपको फाइंड करना है, और जब यहां से एंगल बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे 60 - 45, यानी कि एंगल बी इक्वल हाउ मच 15 डिग्री। तो आपका ऐसे हो जाएगा एंगल ए और बी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फोर्थ, कह रहा है कि इसमें आपको जस्टिफाई करना है, मतलब कि इसमें आपको अपने आर्गुमेंट से इसको रॉन्ग या राइट आपको बताना है। देखो यहाँ पे पहला क्या दिया है, पहला आपको दे रहा है, कह रहा है कि क्या साइन ए प्लस बी साइन ए और साइन बी के इक्वल होता है। चलो इसमें लेते हैं, इसमें हम अलग अलग एंगल मान के इसकी वैल्यू को सेम लाएंगे, अगर अलग अलग वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे अगर दोनों साइड की वैल्यू सेम आ जाएगी तो यानी कि यह जो हम ले रहे हैं वह क्या है ट्रू है, वरना ट्रू नहीं है। चलो यहाँ लेते हैं, अगर ए बराबर कितना लेते हैं 30 डिग्री, बी बराबर कितना लिए लेते हैं, चलो कितना ले लें भैया 45 डिग्री, चलो लगाओ यहाँ पे, नहीं 45 मत लो,
बिना अगर हम 30 और 45 को ऐड करेंगे तो 75 जो आपको एंगल नहीं पता है जो पता है वही लेते हैं। अगर बी को मान लिए 60 डिग्री तो मुझे यह 90 मिल जाएगा। चलो यहाँ पे देखो ना, मैंने एंगल ए को क्या मान लिया 30 डिग्री, एंगल बी को मैंने क्या मान लिया 60 डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे एल एच एस, क्या दिया था साइन ए प्लस बी, ठीक है। जिसको सॉल्व करेंगे यहां से, साइन ए यानी कि 30 डिग्री, बी कितना 60 डिग्री, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और बच्चे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखो तो मैंने एल एच एस से जब हमने ए की वैल्यू 30 लिया है और बी की वैल्यू 60 लिया है तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल जा रहा है 1। अब थोड़ा हम आर एच एस को भी देखेंगे कि क्या वैल्यू 1 आएगा। तो आर एच एस कितना दिया था साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। इसमें मुझे क्या लेना है, ए इजकल टू 30 डिग्री, बी इजकल टू आप 60 डिग्री, ठीक है। सो दैट इज गिव्स साइन 30 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 30 गेट 1 बाई 2 एंड कॉस 30 रूट 3 बाई 2 दैट इज नॉट इक्वल टू, सॉरी लगाओ उसको, कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 1, जो ये क्या 1 के बराबर नहीं है। अतः यह जो है एक्सप्रेशन वह दिए गए एंगल या किसी भी एंगल के लिए ट्रू नहीं होगा। आप इसे 60, 90 या जो भी आपको वैल्यू पता हो उसको रखकर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस। तो बच्चे मैंने आपको अपने लास्ट वाले हम जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइन होता है साइन थीटा और जो टेन थीटा होते हैं, ठीक है, वह 0 से 90 डिग्री तक, यानी कि जब इनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री क्या होती है इंक्रीज करती है, तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है वो भी इंक्रीज करती है। यानी कि साइन थीटा और टेन थीटा, थीटा के इंक्रीज होने पे क्या होता है इंक्रीज होता है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या हो जाएगा यहां से इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि जब इसमें थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की भी वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसे देखो तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 यानी कि 0/5, ठीक है। ऐसे हम जब 10/45 की वैल्यू ले लेंगे तो देखो क्या आ जा रहा है 10 साइन 90 की जब वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो बच्चे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जब एंगल क्या था 0 तो मान क्या मिल गया 0, जब थोड़ा एंगल बढ़ा 30 डिग्री तो क्या मिले मुझे कुछ वैल्यू भी क्या हुई बढ़ी, और जब हम थोड़ा एंगल को और बढ़ा दिए तो मेरी वैल्यू इससे भी कुछ ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि साइन थीटा और टेन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। एंड सेम ऐसे जो बच्चे जो कॉस है ना, कॉस ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि जो कॉस होता है कॉस थीटा वो थीटा के इंक्रीज करने पे क्या होता है डिक्रीज करता है, यानी कि जो कॉस थीटा होता है वो एंगल के बढ़ने पे वैल्यू क्या होती है उसकी घटती जाती है। आप लोग जो भी कॉस के 0, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री या जो 60 जो वैल्यू है आप उसको देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब इसमें आपका आ रहा है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपका है, कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के सभी पहलू के लिए क्या ट्रू है। तो यहाँ पे आपका है क्या फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो जो है क्या फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब कि क्या यह जो एंगल थीटा है यह अपने सभी वैल्यू के लिए सही है। चलो एक बार लेते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, यह आपका कितना होता है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो बच्चे यहाँ देखो तो हम जब इसमें थीटा की वैल्यू क्या ली है 0 डिग्री, तो यह 0 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि अपने एक एंगल 0 के लिए ट्रू नहीं है। चलो थोड़ा और देखते हैं, अगर इसमें थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे 30 डिग्री, तो यह आपका क्या मिल जाएगा साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे यह आपका क्या था कॉस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू कितना होता है रूट 3/2, जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि यह थीटा के दूसरे वैल्यू 30 के लिए भी ट्रू नहीं है, ठीक है बच्चे। तो देखो तो अब इसमें हम अगर 45 ले लेंगे तो क्या होता है साइन 45 डिग्री इक्वल टू
cos 45 और देखो sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और cos 45 का अंडर रूट 2 यानी कि ये केवल एक वैल्यू थीटा के लिए ट्रू है बाकी के लिए ट्रू नहीं है ठीक है तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉरी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट cos थीटा इज नॉट डिफाइंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब क्या अगर इसमें हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो यानी कि जो मुझे cos थीटा मतलब cos 0 डिग्री मिलेगी वो डिफाइन नहीं होगी कैसे तो देखते हैं देखो तो क्या होता है tan की वैल्यू क्या होती है sin / cos tan बराबर sin / cos जब cut होता है तो इसका उल्टा cos होता है तो जब क्या हो cut होता है इसका उल्टा यानी कि cos ये क्या एंगल 0 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा sin 0 अब देखो तो cos 0 की वैल्यू 1 sin 0 की 0 एंड दैट इज द अनडिटरमाइंड फॉर्म यानी कि यह अनडिफाइंड होता है इसलिए cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं होती है